देखिए, सबसे पहले हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर तीसरा जो टॉपिक अपना हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं, एंशियंट हिस्ट्री का, सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन है, चोकुआ चावल किस राज्य में पाया जाता है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? असम, बिल्कुल सही है, पास करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब निम्न में से कौन जीता है, मतलब कौन जीता है, आप निम्न में से हटा दीजिए, बताइए। ऑप्शन बता रहे हैं, किसी को आ रहा है ऐसे? ऑप्शन बता रहे हैं, वंशिका परमार ऑप्शन बी है, प्रिया प्रियन सेन ऑप्शन सी है, स्वाति शर्मा और ऑप्शन डी है रुचिका पाल। प्रियन सेन, ठीक है, बिल्कुल सही है, पास करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है इंडोनेशिया, ऑप्शन ही नहीं है इसमें, बता रहे हैं ऑप्शन गलत है, हेग, कश्मीर, बर्न, टोक्यो। कश्मीर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामबन सुलाई शहद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं, वे किस देश से संबंधित हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। और कोई? कनाडा, बिल्कुल सही है, न्यूजीलैंड गलत है, ठीक है। क्वेश्चन ये था, जैसे अगर गलत होता है तो उसको क्वेश्चन रिपीट करेंगे, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे जल्दी जल्दी से भागने से कोई मतलब है नहीं। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि वहाँ रिकॉल नहीं कर पा रहे हम लोग, तो उसको है भाई स्टार्टिंग से पूछा जा रहा है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, क्वेश्चन ये है, डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर है, ओके, ठीक है। अब पास कर दीजिएगा, आदित्य L1 सूर्य और सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने वाला कौन सा मिशन है, बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके। पहला, बिल्कुल सही है, सूर्य जो भेजा गया अभी, तो वो पहला आदित्य L1। और कौन से रॉकेट से भेजा गया है, आप ही का है क्वेश्चन, आदित्य L1, ये आदित्य L1 को किस रॉकेट से भेजा, हाँ रुक जाओ थोड़ा, हाँ बताओ, जैसे इनका नंबर आ रहा है ना, तो इन्हीं को बोला कर, अगर बता रहे हैं तब, PSLV 57, ठीक है, सी करके ऐसे पूछा है, 57C, बिल्कुल सही है। जैसे उससे रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है, आपका क्वेश्चन है, तो आप उससे रिलेटेड बता सकते हैं, जो हाँ, तो आदित्य L1 सूर्य और जो सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने वाला कौन सा मिशन है, ये तो सब बता देंगे कि पहला है, ये पूछा जाएगा कौन से रॉकेट से भेजा गया है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, PSLV 57, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से, हाल ही में पास किया गया नारी शक्ति बंधन 2023 अधिनियम संविधान का कौन सा अधिनियम है, ये बताना है। अभी जो लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में पता नहीं पारित हुआ कि नहीं, अभी केवल लोकसभा से पारित हुआ है, नहीं गलत है, फिर से बता सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पास किया गया नारी शक्ति बंधन 2023 अधिनियम संविधान का कौन सा संशोधन है, ये बताना है। ऑप्शन सुन लीजिए, बता देंगे, सुनिए, ऑप्शन ए है 127, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 127, ऑप्शन डी है 128। दो बार बता दिए, 28 28, मुझे लगता है 30, ये समझ लीजिए 27 28 29 30, ये समझ लीजिए, हाँ 27, बताएं गलत है, अभी
अट्ठा 128 सही है। नहीं नहीं इसको तो रखे रहो, एक रखे रहो, वो तो हम ऐसे पूछा जा रहा है ना। अगर जैसे शशि का क्वेश्चन, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन है तब पास करो, अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन इसको पास करने की जरूरत नहीं है। आपको सभी को एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं बता पा रहे तब पास होगा। हाँ ठीक है, तो ये जो हाल ही में पास किया गया है, जो महिलाओं के लिए कहा गया, तो रिजर्वेशन जैसे दिया गया है ना, तो लोकसभा में पारित हो गया। अगर इसके संविधान संशोधन की बात करें तो 128, ठीक है, 128 है ना कि 26-27, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अनिल बताएंगे। चलिए ठीक, दे दो दे दो। तो अच्छा बताना, सुनो, निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। ऑप्शन जॉनी लीवर, आर माधवन, अनुपम खेर, परेश रावल। अगर हम ऑप्शन बताएं तो ऑप्शन सुना करिए चारों, फिर बताया करिए, ठीक। और ऑप्शन बी और सी ना चलेगा, उसका नाम लेके बताएंगे। बी सी क्या मतलब, ये चीज बता रहे हैं कि बी सी बताएंगे तो गलत माना जाएगा। तो आर माधवन इसके बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पास करिए, षटमुख रत्नम को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सिंगापुर, बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आता है तो अच्छा लगता है विदाउट ऑप्शन के, क्योंकि विदाउट ऑप्शन से अगर हम यहाँ कर पा रहे हैं ना, तभी वहाँ वो होगा। नहीं ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन से अभी पढ़ के आए हो आधा घंटा पहले, ऑप्शन इल्यूमिनेशन से बता देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन वाला रहेगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं अभी फिलहाल में दो चार दिन ऑप्शन रहेगा, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल रिपोर्ट 2023 में किस गवर्नर को A+ रेटिंग दी गई है। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास है। ये कौन से नंबर के हैं, काफी क्वेश्चन है, रैंकिंग पूछ रहे हैं, समझ रहे हो ना, 15, 16, 17, 18, 20 जो भी हो बताओ, 25वें। चलो ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का नया प्रमुख चुना गया है, बताइए। ऑप्शन ये है गीतिका श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है जय प्रभा वर्मा, ऑप्शन सी है मनीष देसाई, ऑप्शन डी है राजेश मल्होत्रा। क्वेश्चन याद है ना कि फिर से क्वेश्चन पूछे, तो बताइए सर जी, बताइए बताइए ऑप्शन फिर से बताए क्वेश्चन। नहीं गलत है जयप्रकाश, क्वेश्चन ये है अभी हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का प्रमुख किसे चुना गया है, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। हाँ उधर देखना है, आप कैमरे की तरफ देख सकते हैं या तो इधर नहीं देखेंगे। हाँ तो इसका मनीष देसाई इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का प्रमुख चुना गया है, तो मनीष जो है देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, PIB का प्रमुख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आयोजित किए गए एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, इसको तो सभी लोग बता देंगे बिल्कुल, और ऐसा लोग के पास है, देखिए सर जी के पास, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हालांकि बता देंगे वो लोग। तो चलिए, तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है, इस्लामिक जो बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है, कौन सा देश। ऑप्शन जरूरत हो तो बताएं, देखिए ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी सिंगापुर। नहीं गलत है, बताइए कॉन्फिडेंस से बताओ, चाहे गलत हो चाहे सही हो। नेपाल, नहीं कॉन्फिडेंस गलत है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर रूस, जो इसे बोल रहे थे अब, रूस इसका करेक्ट आंसर है। रूस ने अभी घोषणा की है, ये 6-10 महीने के अंदर के हैं, कोई हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, लेटेस्ट 2-10 मंथ
कोई पीछे का भी है, ठीक है। तारीख से करंट देखना बंद कर दिया। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन ये था कि किस देश ने हाल ही में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है, तो जो है रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम इलाकों में इन्होंने घोषणा की है जो है रूस। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्केला हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है जिसका हाल ही में ज्योतिरादित्य द्वारा उद्घाटन किया गया। आप जान ही रहे हैं कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, तो उन्होंने वो किया है, तो बताइए ऑप्शन, वो आंसर बताइए। ऑप्शन बता रहे हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। लैपटॉप तरफ नहीं देखिएगा। और ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी है गुजरात। अगर उत्केला, हाँ उत्केला हवाई अड्डा का हाल ही में उड़ीसा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन भूल जाओ जिस सुनने में, अगर ज्यादा स्पीड पूछ रहे हो तब भी बता देना कि थोड़ा स्लो पूछो, अगर भूल जा रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको रिपीट आप बोलेंगे, एक बार रिपीट दो बार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन होता है कठिन शब्द मिल जाएगा, तो वहां एक बार में सुनेंगे एक तरफ से, भूल जाएगा पहली बार सुनेंगे तो उसको रिपीट कर देंगे। उत्केला हवाई अड्डा, हाँ उत्केला हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है जिसका हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उद्घाटन किया गया, तो इसका उड़ीसा करेक्ट आंसर है, ठीक है। पास कर दीजिए। ये उड्डयन मंत्री है ना, उड्डयन मंत्री जान ही रहे हो ना क्या होते हैं, ठीक ठीक बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जा रहा है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप सऊदी अरब, बिल्कुल सही है, ठीक है सऊदी अरब। क्वेश्चन ये था कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मतलब कहाँ किया जा रहा है, तो सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित किए जा रहे G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है, विदाउट ऑप्शन बताइए इसका, तो सिंपल है क्वेश्चन, बताइए अनिल। वन फ्यूचर वन फैमिली वन अर्थ, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली, सीरियल सही बताओ। वन अर्थ, हाँ वन फ्यूचर वन फैमिली, गलत हो गया, फिर एक बार और चांस दिया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम हिंदी में, नहीं उसको बताओ, सीरियल गलत हो गया तुम्हारा, बताओ। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर सही है, गलत है, सही बताओ। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यही तो बोला हूँ। सही, इस बार सही बताया, ठीक है, सही, इस बार सही बताया। तो देखिए बाहर क्वेश्चन सुनिए, बिल्कुल सही, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इधर उधर कह देगा, हैं वन अर्थ होता है वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, ये इधर उधर कर देगा, हाँ पहले पृथ्वी आएगी फिर अपना फ्यूचर वो परिवार आएगा फिर फ्यूचर आएगा ना, ऐसे भी कॉमन सेंस का, पहले पृथ्वी है फिर अपना परिवार तब फ्यूचर है ना, फ्यूचर तो पहले हो नहीं सकता परिवार से पहले। आगे पास कर दो, ठीक है, इसको थोड़ा से सीरियल जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा वहां बात का सोचा है, पृथ्वी में पहले पैदा होंगे फिर उसके बाद परिवार है फिर फ्यूचर बाद में, भाई जिएंगे तब ना फ्यूचर होगा, मर ही जाएंगे तो क्या फ्यूचर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी निम्न में से किस राज्य में शुरू की जाएगी। तेलंगाना, सही है तेलंगाना, बिल्कुल सही है। हाल ही में आयोजित किए गए 132वें डूरंड कप का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। ऑप्शन बता रहे हैं, ईस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है चर्चिल ब्रदर्स, ऑप्शन सी है मोहन बगान, ऑप्शन डी है गोकुलम केरल। मोहन बगान, मोहन बगान बिल्कुल सही है।
थोड़ा से 20-30 सेकंड मतलब जिसके पास ये रहे ना स्पोर्ट्स के बहुत महत्व रखते हैं। देखिए करंट में क्या है, जो सिंपल है चाहे जो लेटेस्ट है, मतलब सिंपल भी कोई कोई पेपर में आता है, तो ये ना सोचो कि ये नहीं आ सकता है। करंट में कुछ भी, करंट में कुछ भी वो आ सकता है। अब जैसे G20 का जो क्या बोलते हैं उसको, जो शब्द था वन अर्थ, इसको थीम, इसको आप सिंपल कह सकते हैं तब जब आपको आएगा तब, नहीं इसको भले सिंपल लगेगा लेकिन गलत हो जाएगा। सीरियल जानते रहेंगे कि वन अर्थ है, वन फैमिली है, वन फ्यूचर है, तब भी सीरियल नहीं पता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स प्रिक्स का लगातार दसवीं बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ये ऑप्शन इसका कठिन कठिन तो बताए दे रहे हैं। सेबेस्टियन वेटल ऑप्शन बी है, मैक्स वेस्टरपन ऑप्शन सी है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, मैक्स वेस्टरपन इसका करेक्ट आंसर है। इसका क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का लगातार दसवीं बार जीतने वाले हैं, तो है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेस्टरपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पास करते रहिए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन IESF में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं कौन? तेज से बोलिए कि माइक में आवाज आ जाए। ऑप्शन ये है लोकेश सुजी, ऑप्शन बी है उमेश वर्मा, ऑप्शन सी है स्वाति जायसवाल, ऑप्शन डी है हरप्रीत संधू। लोकेश सुजी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन ये है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो लोकेश सुजी जो है करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पास कर दीजिए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए हैं? इसका बीसी क्वेश्चन रखा करेंगे करंट, क्योंकि 50 क्वेश्चन में जो है बहुत ज्यादा हो जा रहा है। पचास क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना ज्यादा 20 या 25 पूछा अभी, जैसे हम क्या होता है आज थोड़ा सिलो पूछा जा रहा है, 27 हुआ तो 25 सही रहेगा मैं लगता है। अभी जैसे एक दो दिन या फिर ऐसा करो कि किताब जो है ना करंट की बनी होती उसका एक एक टॉपिक उठाओ, एक एक टॉपिक, हाँ ये भी अच्छा रहेगा। आज आर्थिक संबंध पूछना है, कल स्पोर्ट ज्यादा स्कोर के क्वेश्चन है तो उसको बांट दो, उसमें टाइम ही 20 मिनट दो बस। हाँ ऐसे पूछो, एक वहाँ का एक वहाँ का ऐसे लगा रहा। देखो सब लोग जैसे बोले उचित रहेगा, उस रिकॉर्डिंग जो है किया जाएगा इसमें इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 375 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट 10 मंथ का है तो इसको समाप्त कर लेते हैं। फिर स्पीडी है या जो एडिटोरिया की आदि बहुत अच्छी है तो उसको जो भी कहा जाएगा उससे पूछा जाएगा, टॉपिक बता दिया जाया करेगा उससे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, पहले मतलब सबके पद रख डालो पद, हाँ कौन किस पद, मंत्री परिषद रख डालो, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, राज्यपाल रख डालो। जैसे जैसे कई लोगों को कंफ्यूज रहता है राष्ट्रपति है पता, लेकिन किस नंबर की ये पूछ लेता है, यही पूछ जाते हैं। अब जैसे पेपर देने गए थे रामनाथ कोविंद जब उस टाइम ना, तो कौन नंबर के थे ऐसे पूछ लेता है, पूछता है। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर के हैं, कई मंत्रालय ऐसे हैं जो नहीं जानते, 15वें नंबर के हैं ये जरूर, राष्ट्रपति सबको पता रहता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं व्यक्तिगत तौर पे, प्रधानमंत्री कौन नंबर, रैंकिंग टाइप क्वेश्चन। चलो ऐसा करो तुम क्वेश्चन पढ़ जाओ, जो इसको क्या देता जाएगा, कितने शिक्षकों को अवार्ड दिए गए हमारे, आया था कहाँ नहीं, ये पूछा गया था 75 इसके पास कर रहा हूं मुझे मालूम नहीं, मैं सुनने वाला यार अभी तो पहुंचा, अरे अभी पूछा गया है फिर से पूछ रहा हुआ तुमसे, चलो छोड़ो पूछा जा रहा है। 65 था अब पूछेंगे क्या आंदोलन, आंदोलन जो भी मार्ग आंदोलन पूछो, क्योंकि पैर चला आ रहा है और ये अपने लिए चलने,
पेट दबड़ा आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अभी कुछ मत रखो कि पेट का जो सिलेबस है वो पूछो, वही तो पूछा जा रहा है। देखो ज्यादा हो गया था, चीजें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो एक दो दिन में शेड्यूल बन जाएगा, लेफ्ट राइट की बातें ना होया करेगी, केवल क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर बताएंगे, हम नहीं आ रहा है तो हम बोल दिया जाता है। हाँ एक दो दिन मतलब थोड़ा शेड्यूल समझ में नहीं पता नहीं चलेगा कैसे करना चाहिए, सिस्टम बनाने लगेंगे तो उसमें अपने आप सुधार होने लगेगा, मतलब टेक्निकल में आएगा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, वैल्यू ज्यादा कंप्यूटर है तो कॉन्सेप्ट सब याद है, वैल्यू 75 उसके 75 है वो, उसी में इनका यानी 5 अरे सिद्धगी सरकारी टीचर के लिए सिद्धगी सरकारी नाम आया था वहां कुछ का, अगर वैज्ञानिक के लिए पूछा जाएगा ना तो 12 है उसका और टीचर का 75 है। चलिए ठीक है, चलिए शांत हो जाइए फिर पूछते हैं। वही है क्या मतलब वीडियो वाला है कि वही जो भेजे हैं पीडीएफ। अब हम पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ है तो चलिए बताइए, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? 1905 बिल्कुल सही है, पास करिए भारत, एकदम स्पीड से चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पास करिए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचा गया था? और रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही। बीच में कोई नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा पहले 30 सेकंड तक दे दो फिर उसके बाद साइड वाला बोलेगा, यहाँ वाला नहीं बोलेगा। अब क्या सोचना, अभी जो आता रहेगा तो क्या सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बताना है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है द्वारका नाथ टैगोर, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अवनींद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन का संबंध किस घटना से है, मतलब लॉर्ड कर्जन एक इसको ऑप्शन बताए दे रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का संबंध किस निम्न में से किस घटना से है, तो पहला ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी है डुरंड आयोग का गठन, ऑप्शन सी है भूटान युद्ध, ऑप्शन डी है बजट प्रणाली की शुरुआत। बंगाल विभाजन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है, बताइए। ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी है द्वितेंद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर जो करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक महान समर्थक था, बताओ। गोप शशि ने बताया, बेकार है, मैकाले शिक्षा चिल्लाते रहते हैं टीवी मैकाले, बिल्कुल सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक महान समर्थक था तो टीवी मैकाले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई? 1874। ऑप्शन सुनिए, 1902, 1897, 1882, 1909। 1902 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग को नियुक्त किया था? हंटर आयोग को किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड इसका रिपन रिपन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन डी है दिल्ली, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। प्रश्न दो बार पढ़ा, फिर सुनिए। लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरियल मेमोरियल किस शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। कोलकाता इसका करेक्ट आंसर है। पास करिए। निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था? बताइए विदाउट ऑप्शन, बताएं ऑप्शन। एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन बी है जेम्स मिलर, ऑप्शन सी है जॉर्ज विटेंट, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर थॉम्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए। जॉर्ज विटेट करेक्ट आंसर है, जॉर्ज विटेट इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? बताइए सही है सर जी। 1800 आई नहीं पहले, 1774 इसका करेक्ट आंसर है। 1774 किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 74 इसका करेक्ट आंसर, 1774 इसका करेक्ट आंसर है। अब कोई कोई जैसे 73-74 में कंफ्यूज हो जाता है, क्यों तो 74 इसको भी। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी, मतलब किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था खुदीराम बोस को? ऑप्शन ए है चटगांव, ऑप्शन बी है बारिशाली, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है अलीपुर। बताइए क्वेश्चन ये है। हाँ ऑप्शन फिर से बताएं। ऑप्शन ए है चटगांव, ऑप्शन बी है बरिशाली, ऑप्शन सी है अलीपुर, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शास्त्रागार छापे से जुड़ा था? बताइए चटगांव शास्त्रागार से कौन जुड़ा था? ऑप्शन ए है विष्णु शरण दुबलीस, ऑप्शन बी है सचिंद्रनाथ बक्सी, ऑप्शन सी है मनमथ नाथ गुप्ता, ऑप्शन डी है अधेदु दस्तीदर। हाँ सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता, अच्छा निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शास्त्रागार छापे से जुड़ा था? ये चटगांव शास्त्रागार से जुड़ा था बताना है, तो अधेदु दस्तीदर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है आइए देखते हैं नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? मद्रास चेन्नई, नाम बताना है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है रजनीकांत सेन, ऑप्शन डी है सैयद अबू मोहम्मद। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दें, याद है? देखिए क्वेश्चन ये है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दा के नाम से, मतलब बताना है मास्टर दा से कौन फेमस है? ऐसे बताइए, चलो ऑप्शन सुनो बताना तुम्हें। अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन बी है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है सूरसेन। अच्छा सुना नहीं,
चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिमी बंगाल के क्रांतिकारी कौन थे? पश्चिम बंगाल से जो क्रांतिकारी, ऑप्शन से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे इसमें। पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस, खुदीराम ऑप्शन भी बोस, है बालकृष्ण। हाँ खुदीराम बोस, खुदीराम बोस इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो नहीं, चलिए उसका पूछता, लेकिन पीडीएफ नहीं मिला उसका, तो क्वेश्चन वो पूछने में दिक्कत करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना? बताओ ऑप्शन बताएं, कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन इलाहाबाद 1921, ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन 1916। बताइए, नहीं गलत है, कलकत्ता अधिवेशन सही है, कलकत्ता अधिवेशन 1917। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समय में 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था कौन? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी है भिकाजी कामा, ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। क्वेश्चन बढ़िया है, विदेशी, चलो बता रहे हैं इसको। हाँ बता दे, हाँ बताइए, भिकाजी भिकाजी कामा, भिकाजी कामा, हाँ इन्होंने विदेशी भूमि पर तिरंगा सबसे पहले। माँ कहा जाता है, कभी ये हमें नहीं पता है, बहुत डिटेल में पता है, जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में फहराया था और उन्हें यही 1857 की क्रांति की माँ कहा जाता है, यही है भी कभी काम। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी? बताओ उधम सिंह, ऑप्शन बता रहे हैं सूर्य सेन, ऑप्शन बी है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन सी है सुखदेव थापर, ऑप्शन डी है खुदीराम बोस। मदन लाल ढींगरा, ढींगरा है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब जब गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तभी ये सब चल रहा था, उसी समय ये सब झंडा फहराना। क्वेश्चन ये है, किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो मदन लाल ढींगरा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, या किसका स्टेटमेंट है, किसने लिखा यह स्टेटमेंट? कथन ये, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा या किसका स्टेटमेंट है? नहीं ये ऑप्शन ही नहीं, वो बहुत अंग्रेजों के टाइम का है। अच्छा ऑप्शन ये है, ऑप्शन सुनो, हर्बर्ट रिसले, लॉर्ड रिपन, डब्ल्यू हंटर, इनमें से कोई नहीं। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? 1872 में लॉर्ड कहाँ की गई थी, स्थान का नाम बताना है। बताओ ऑप्शन बताएं, ऑप्शन दीव, दिल्ली, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसका करेक्ट आंसर है। किसी के क्वेश्चन में पहले कोई नहीं बोले, पहले जो हम बता तो रहे हैं वही ऑप्शन बता दे रहे हैं। हाँ इसके बारे में जान लो, ये क्वेश्चन और बनता है, कौन सा वायसराय जिसकी उसके कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई? वो क्वेश्चन आएगा तो मतलब बता दिया है, इससे जुड़ा क्वेश्चन है, आया भी है। ऐसे इसी से रिलेटेड अगर कुछ भी पता हो तो बता दे, जो चीजें हम अगर बता देंगे ना काफी लंबे समय तक याद रहेगा। ऑप्शन जिसकी मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई, क्या यही लॉर्ड मेयो? लॉर्ड मेयो बताई दिया कहाँ पोर्ट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए बोलिए, यह कथन, मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है, इस किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है?
अक्का भी ये बोले थे, भगत सिंह है ही नहीं। ऑप्शन सुनिए, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह है लेकिन आंसर नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल। चलो तीन ही ऑप्शन बचा, राम प्रसाद बिस्मिल। कब बोले थे किसे, मतलब ये स्टेटमेंट कब बोले थे वो लाला लाजपत राय? लाठी जब पड़ गई थी ना, लाठी पड़ गई थी, फिर वही समय से बीमार होने लगे, फिर उसके बाद जो है इनका देहांत हो गया। इसमें जब हुआ था लाहौर में, जब उन्होंने लाठी चार्ज हुआ था, तब वही का मतलब उन्होंने कहा था कि जो एक एक लाठी तुम्हारे ताबू के खेल साबित होगी। उसके बाद बीमार होने लगे, दौरा चले गए। आइए सबने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, मतलब ये बताना कि बम कांड में कौन कौन शामिल थे, ये बताना है कितने शामिल थे लगभग, जो भी नाम पता हो बता डाल। ऑप्शन बता रहे हैं, इसमें ऑप्शन बता रहे हैं, मास्टर, हाँ अवध बिहारी बिल्कुल सही है, मास्टर। ऑप्शन बता रहे हैं, मास्टर आमिर चंद, ऑप्शन बी भगवती चरण ओहरा, ऑप्शन सी है भाई बाल मुकुंद, ऑप्शन डी है अवध बिहारी। तो इसमें बताना है कौन शामिल नहीं था, दूसरा वाला कौन सा था? पहला ऑप्शन है मास्टर अमीर चंद्र, ऑप्शन बी है भगवती चरण ओहरा, ऑप्शन सी है भाई बाल मुकुंद, ऑप्शन डी है अवध बिहारी। हाँ ये नहीं शामिल था, ठीक है, भगवती चरण ओहरा जो है ये शामिल नहीं था, ठीक है, हार्डिंग बम कांड में। और कौन कौन शामिल थे, मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और ऑप्शन जो है एक और अवध बिहारी, ये तीनों शामिल थे लेकिन भगवती चरण ओहरा जो है शामिल नहीं थे। मतलब ये जो वो वाला तो पता है, अभी पूरे सदन कांड हो गया और हार्डिंग बम कांड, ये वाला हार्डिंग बम कांड कहां तो हुआ था, ये पता नहीं है, अगर हमें पता रहे बता देंगे, अगर आप लोगों को पता रहे तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालीपुर सदन कांड पता है और असेंबली बम कांड भगत सिंह के, ये हार्डिंग वाला कहां पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में क्या हार्डिंग जब लॉर्ड हार्डिंग, अगर किसी को पता हो तो बताएं, हमें नहीं पता। कार्यकाल कितना था, हां जब नहीं पूछो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाद में, अब कंफर्म जो ना चीज है तो उसको कोई मतलब देखते हुए चलिए भाई। वर्ष 1904 में किसने, अगर पता हो तो जल्दी बता सकते हैं सेकंडों में, और नहीं पता है तो वो गलत भी हो सकता है, गलत ना बताएं, कोशिश करें। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ये सिंपल क्वेश्चन है, अरे वो थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे और स्थापना कौन करी था? अरे नहीं, राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अध्यक्ष पूछ रहे हो ना, और स्थापना कौन करी, आप ना बोलिए, विवेचन बनर्जी, सही बता रहे हैं, पहले अध्यक्ष ही थे। डब्ल्यू सी बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे और वो संस्थापक थे, संस्थापक पहले थे, ठीक है। अब चलिए, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। बताना है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन निम्न में से, स्वदेशी आंदोलन, हाँ बताइए, स्वदेशी आंदोलन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, सॉरी ये हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी? बताना है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की संगठन की स्थापना किसने की थी, बताइए। ऑप्शन बता रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है जॉर्ज यूल, ऑप्शन सी है गोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी है दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन ये है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न में से कौन सा संगठन अन्य तीन संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? अब ये ऑप्शन बता रहे हैं, ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी है परमहंस मंडली। सत्यशोधक समाज। अब जिसको सन आएगा तभी बता पाएगा। ये सही है। कौन सा? ब्रह्म समाज सही है इसका, ठीक है। ये बताइए सत्यशोधक शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले। एक गुलामगिरी भी पुस्तक लिखे हैं, ठीक है, इनकी अगर बात करें तो। और ये और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सवित्री बाई फूले। इन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले कॉलेज खोला था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पूरे में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी? किस शहर में वेद समाज की स्थापना की गई थी? बॉम्बे, जो अब मुंबई बोला जाता है, मद्रास, जो कि चेन्नई है, और ऑप्शन सी है कालीकट, ऑप्शन डी है कलकत्ता। मद्रास। मद्रास, मद्रास जो चेन्नई, ठीक है, करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 से पहले की घटना है? ऑप्शन आएगा तभी बता पाएंगे, गांधी इरविन समझौता, चौरी चौरा कांड, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ सर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बंगाल का विभाजन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन एक हाथ नहीं दबाया वाला। अच्छा, तब इतना आतंक करे तो बंगाल अभी एंटर वादिया था, उसका बायां हाथ नहीं था। हाथ होता तो करता। चलिए, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? वही ऑप्शन दो या उसी को बाद में 1904 वाला वो बना दिया। ऑप्शन दो बता रहे हैं, 1873, 1899, 1900, 1864। 1899 बिल्कुल सही है। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वीर सावरकर ने की थी और सन 1899 बाद में समाज बना दिया। अरे क्वेश्चन मतलब भले उत्तर सही जाए मगर एक बार रिवाइज। नहीं नहीं, अगर गलत हो जा रहा है तब बताएंगे, नहीं तो शांत रहो तो खुद ही समझ। वही क्वेश्चन जो गलत हुआ ना यही बता दे रहा हूँ, यही जो 1999 में उन्होंने क्रांतिकारी थे इसी को फिर बाद में उन्होंने अभिनव समाज बना दिया। जो 1904 में पूजा जाता अभी ये नहीं क्वेश्चन पूछे किसको, लेकिन उन्होंने देखा 1904 यही बनाया गया था, पास किया जाए क्योंकि बदनाम हो रहा था बहुत उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए बिपिन चंद्र पाल के बारे में। जन्मदिन पूछ सकता है 28 अप्रैल से। 28 अप्रैल सन यही तो हुआ, 28 अप्रैल। अच्छा, जिस दिन संसद संसद भवन को उद्घाटन किया गया था। सन क्वेश्चन पूछो क्योंकि 28 मई को बेड वाला पूछो। 28 मई को संसद, 28 मई था। हाँ, 28 मई और सन में बताइए अगर याद हो। वीर सावरकर का नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्न में से बताना कौन सा कथन सही है? अब कथन बताएंगे फिर उसके बाद आंसर बताना। वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। गरम दल के नेता थे वो। बिपिन चंद्र पाल जो है गरम दल के। गरम दल के नेता थे। चलो ठीक है, ध्यान रखें, जैसे अगर वहाँ हो तो पहले ये लोग बताएंगे, फिर अगर किसी को नहीं आ रहा है बता देंगे। ऐसा करो मतलब जब इस रूम में चल रहा हो तो नहीं बात तो कोई बता दे। आप ये जो मार्कर है, मार्कर थोड़ा ध्यान रखें इधर वाले, अगर कोई नहीं बता रहा है तो आप बताएं। हाँ तो थोड़ा से चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? और पूरा नाम बताएं, भले सिंपल हो कठिन हो, अगर पूरा नाम सरस्वती बिल्कुल सही है। होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1916 बताइए, ऑप्शन बताएं। देखिए ऑप्शन है 1914, 1915, 1917, 1916। 15, 16, 17 यही सब है। 1916 बिल्कुल सही है। इधर देख तो नहीं रहे हो। नहीं नहीं, अब तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? चलो
रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही है। सन बता दे रहे हैं 1875। सन भी बता करो कि 1875 1828 ब्रह्म समाज है तो आर्य समाज 1875 में बैठ का फेमस है। सन ये भी दिखाई नहीं है सर की सर, नहीं जिसको याद हो वो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट, मैं तो कहता हूं जो क्वेश्चन आए उसके बारे में, स्वामी विवेकानंद वाला 1877 तैरण सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। बताओ सही, बता रहे दिन से पढ़ा है। हाँ सही है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या था? औद्योगिक केंद्र। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे ना, ये क्वेश्चन। अब छोड़िए उसको, क्वेश्चन छोड़िए, जो अगर उसी समय याद आ रहा ठीक है। कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन सुनिए, औद्योगिक केंद्र है, एक बंदरगाह है, एक द्वीप है, एक जहाज है। एक जहाज बिल्कुल सही है। बताइए सबके थोड़ी ना भारी है कि भाई आप शब्द का यूज ना करें, थोड़ा से गर्मी में बनाए रखें क्लब का, ठीक है भाई? क्योंकि एक घंटा जो हवाई जहाज ला रहा थे, इनको अपने भारत किए थे जो ला रहे थे, उनको घेर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके पंजाबी थे जो हरदीपपुरी करके कुछ था। किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? अखबार पहला ऑप्शन है सोम प्रकाश, ऑप्शन बी है रस्त गुप्तार, ऑप्शन सी है महारत्ता, ऑप्शन डी है संवाद कौमुदी। नहीं मैं बता रहा रस्त गुप्तार। हाँ रस्त गुप्तार जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ऑप्शन ए है 1876, सुनिए ऑप्शन 1876, 1881, 1903, 1856। तो 1876 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1876। इसका थोड़ा पहला वाला बताना, जो पहला क्वेश्चन ये है किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है रस्त गुप्तार। रस्त गुप्तार मैट कहाँ है मैडम? कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया था? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है मास्को, ऑप्शन डी है स्टुटगार्ट। पवन अभी बता चुके हैं लंदन। ना नहीं गलत है, बताइए सही बताइए, यही होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड। मुझे तो बहुत डीपली पता है जो आ स्टुटगार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहां पे है? कभी स्टुटगार्ट ना दे तो जर्मनी में। कहां जरूरी है? अब देखते हैं गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फुले, इसका करेक्ट आंसर सही है। वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? स्वराज ऑप्शन बता रहे हैं, देखो ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन रिबलन फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और कोई? हिंदू सभा। और कोई? ऑल इंडियन। हां तो सही हो ही जाएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग। हां ये बता दे एक बार सही है, ये है कि 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का जो नाम था वो चेंज करके स्वराज सभा रख लिए थे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, बताइए किसने लिखा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ है जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय
जनयुभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इनमें शामिल थे, किसका ये स्टेटमेंट है? ऑप्शन बताएं, एक क्वेश्चन रिपीट करें, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ऑप्शन ये है आर सी दत्त आर पी दत्त दो ऑप्शन है, जेपी नारायण, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दो नहीं, आर पी दत्त यही दो बताओ। आर पी दत्त करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूरा नाम पता चल रहा है क्योंकि शॉर्ट में लिखा है, नाम पूरा नहीं है, अपने बात ये नहीं था। स्टेटमेंट ये है, कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ है जिसका उद्देश्य था भारत में लोकप्रिय जनयू भार को पहले से रोकना और पूंजीपति नेता को मतलब शामिल थे बढ़ावा देना दुनियादारी, ये सब चीजें। तो इसका करेक्ट आंसर आरपी दत्त जो है करेक्ट आंसर है। चलो इसे पूछ लेते हैं अब, जो कल से कम रखा जाएगा, नहीं तो 5 मिनट नहीं चाहे तो 10 ही मिनट रखो, लेकिन करंट रखना जरूरी है। 10 मिनट पूछा जाएगा बस, 10 में चाहे 20 क्वेश्चन हो पाए चाहे 25 क्वेश्चन, टाइमिंग डिसाइड कर देंगे। ये ज्यादा सही रहेगा ना, देखो एक दो दिन में मैनेज हो जाएगा शशि, दिक्कत नहीं होगा। 10 मिनट करंट बहुत होता है, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन पूछ लेंगे, आराम से। हाँ। मैं वीडियो देखता रहा, मतलब उसको पूरा 4 घंटे की थी। अब जैसे एक ही चीज बताओ कि इसको ही पढ़ के आना है, बस तो फिर बिना ऑप्शन के आंसर दिया जाएगा। सब लोग हम इसलिए ऑप्शन चाहते हैं क्योंकि पढ़े नहीं, हमें क्वेश्चन पता है आंसर नहीं पता, हो सकता है। चलो एक दो क्वेश्चन और पूछ ले रहे हैं आज से, जो है सही होगा, मतलब आज से टाइम बता दिया जाएगा जो भी सब्जेक्ट का। करंट तो मैं ऐसे ही मारो, मतलब करंट ना पढ़े नहीं, ये जो पीडीएफ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखोगे ना, इम्पोर्टेंट लगेगा। हाँ तो इसको 395 शायद है ना, तो इसको समाप्त कर लेते हैं, फिर जैसे होगा स्पीडी कहोगे, एडिटोरिया कहोगे, जो भी कहोगे वो चला जाएगा। सीरियल से उसको नहीं, ये होगा फिर यार कोई चीजें खत्म नहीं होगा, फिर ये करो फिर थोड़ा सा गड़बड़ लग गया होगा। पहले पेज में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, देखिए स्पीडी में ऐसे रख लो, चाहे पूरे पन्ना रख लो इस तरफ और इस तरफ, तो या फिर एक में देख लो, क्योंकि एक पन्ना रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। सीधा पढ़ो, हम भी पढ़ के आएंगे वही चीज, पढ़ो और तुम्हें पढ़ना, उसमें ऑप्शन भी नहीं है, सीधा आंसर है। चलो ठीक है, ये करंट जो है 395 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक सप्ताह के अंदर अंदर पढ़ जाएगा, फिर उसके बाद जो जैसा क्लब मेंबर का निर्णय रहेगा। आज टाइम पता है कितने लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं देखे, नहीं देखे। वीडियो देख के आप कोशिश करें कि आंसर दन लो, कोशिश करें थोड़ा पढ़ के आएंगे तो क्लब का और ही मजा आएगा। भाई वो चीजें हो गया ना, हम बता रहे हैं ना, चीजें हो गया है, अब उसको बार बार रिपीट करने कोई जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन ही 10 मिनट में हो जाएंगे अगर तुम ऑप्शन ना पूछो, पढ़ के जाओ, पता रहे। चलो आज के लिए बस यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं, तो कल खत्म तो नहीं हुआ, कल तो अभी 67 क्वेश्चन है लगभग, अभी 15-15 क्वेश्चन है, बस यही आज समाप्त करते हैं। नहीं उसको तो पूछने नहीं, 5 बज गए हैं, 1 मिनट बच गया, नहीं बस करो अब, बस करो।